डीजल की जगह सीएनजी से चलेगी 40 सीटें निगम की बसें। नमस्कार, मैं हूं दिव्या वर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। रांची की जहरीली धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए रांची नगर निगम नई कवायद करने जा रहा है। रांची नगर निगम ने डीजल से चलने वाली अपनी 40 सीटें बसों को सीएनजी में बदलने की योजना बनाई है, जिस पर निगम को 2 करोड़ राशि खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में निगम की 51 सीटें बसें हैं, इनमें 40 सीटें बसें चलने की स्थिति में हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के लिए रांची शहर का चयन किया है। इसके लिए केंद्र सरकार नियम को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से 25 करोड़ रुपए रांची नगर निगम को देगी, जिसे निगम शहर की प्रदूषण मुक्त और हरियाली बढ़ाने के लिए कई काम करेगा। 20 करोड़ खर्च कर मोहल्ले में लगेगा पेवर ब्लॉक। सिटी बस के अलावा शहर को धूल से मुक्ति दिलाने के लिए निगम सभी 53 वार्ड के सड़क किनारे आरसीडी के मुख्य पथों को छोड़कर पेवर ब्लॉक लगाएगी, ताकि मोहल्ले में उड़ने वाली धूल, सड़क किनारे जमने वाले कीचड़ से लोगों को मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही छोटी बड़ी नालियों की सफाई के लिए सुपर शकर मशीन खरीदी जाएगी, ताकि निगम के चारों जोन में नालियों की सफाई मैनुअल की मशीन से हो सके। साथ ही शहर में वायु प्रदूषण का स्तर जानने के लिए चयनित स्तरों पर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा, ताकि वायु प्रदूषण के स्तर कम करने का प्रयास किया जा सके। इसके अलावा 3 मैकेनिकल स्पीकिंग मशीन एवं वाटर स्प्रिंकल मशीन भी खरीदी जाएगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।